Next.
ऐसे नहीं लगता है ये तो कहीं ना कहीं तो जाएगा तेरा मन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या होगा क्या पता, आसन तू मिलके आज ले जरा, मैं तू यहाँ तू है यहाँ मेरी आँखों यहाँ अभी जरा ओ जाने जा तू जा मेरी बाहों में अभी जा ओ जाने जा तू जा मेरी बाहों में अभी जा ओके पहले तो मन मेरा पहले भी रातों में अब सही चाहत के हाँ सपने सजोता था पहले भी धड़कन तो ये दुनी गाती कोई गाती पर होता है वो पहले ना होता था सबसे पहले आप लोगों को फीडबैक में देता हूँ कि आप लोग मैंने एट क्लास से पढ़ाया तो स्टार्टिंग में मुझे बोला और भी मेरे कलीग्स ने कि वहाँ पे थे कि ये जो क्लास है इसको टाइट करके रखना और ऐसा है, लेकिन खैर जितना मुझसे हुआ रिसर्च वगैरह रखा उसके बाद आप लोग बहुत अच्छे हो गए थे,
और मेरे साथ तो बहुत अच्छे थे। देखिए एक बार याद रखिएगा, अगर आप टीचिंग में आते हैं और टीचिंग अगर आप आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनते हैं या फिर टीचिंग में आते हैं, तो टीचिंग में आप अपने स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, या तो अपनी क्वालिफिकेशन से उसमें आप बहुत अच्छा पढ़ा के, जितने आप ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं उतना आप अच्छा कन्वे कर सकते हैं, उतना अच्छा बता सकते हैं। क्वालिफिकेशन को कभी नहीं रोकेगा, सही है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ, मैं अपनी अम्मी को भी बोलता हूँ कि अम्मी को मतलब कि ये जो झाड़ू पोछा और घर का जो काम है वो 5-10 हज़ार किसी को भी दे के करवा सकते हैं, लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान आएगा और वो अगर आप आगे कहीं भी इंगेज होते हैं तो वो आपकी नस्लें भी बहुत अच्छी तरीके से पा सकता है, तो उनकी परवरिश कर सकता है और जो है आगे बढ़ने के आपके चांसेस बढ़ेंगे। एक विजन रखिए अपना कि आपको कहाँ जाना है, विजन होगा तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर विजन नहीं होगा, आपने देखा होगा बचपन में जब आप नर्सरी के जी में थे तो रिश्तेदार घर पे लोग और बाहर बड़े होकर क्या बनोगे, बड़े होकर क्या बनोगे, तो बोलते हैं पापा बनूंगा, गुला बनूंगा तो कोई बोलते हैं मैं पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, तो आप बन सकते हैं। और अगर नहीं भी बन पाए तो जो आप बन गए उसी में जो है अपनी क्वालिफिकेशन की अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते रहे। देखिए आप अपना विजन पहले सेट करें कि आपको बनना क्या है, अगर आप नहीं बन पाए तो अब आप जो है उसमें आपको कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही, बाकी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह इसी तरह की गैदरिंग्स आप लोग अपने टोटली खुद अफोर्ड करके ना करें तो कभी आप टीचर से करवा लें, सही है। तो मतलब गैदरिंग हो, आपके ताल्लुकात हो, आप एक दूसरे को जानते हो, सही, वो ज़्यादा मायने रखता है। और ये पैसा और ये सारी चीज़ें ये तो फिर इंसान भूल जाता है, लेकिन आपके जो रिलेशन होते हैं वो आपके आगे काम भी आते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो वेरी मच। परफेक्ट नहीं होता है, अब ये अगर इंग्लिश में अच्छी हैं तो आप फिजिक्स में अच्छी होंगी, आप बायोलॉजी में अच्छी होंगी, आप जो है वो फ्रीलांसिंग में अच्छे हैं, तो जो अपने अंदर पहचाने की आपकी क्वालिटी क्या है, सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है, अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें, अपने वीकनेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अहम है। और दूसरी बात, ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो आती है, उससे घबराना नहीं है, उसको टैकल करना, क्योंकि ये बहुत जो है ना वो जब आप 10 साल बाद 15 साल बाद की स्टेज पर पहुँच जाएंगे, जब आप इस फेस को याद करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि यार मैं भी जो ना पहले 2 कमरे का मकान में रहता था, आज मैंने बंगला बना लिया है, तो ये बहुत खुशी का जो है ना वो फेस होता है जब उसको मतलब याद करता है। तो इस पर वर्क करने की कोशिश करें सब, तो यही है कि अपनी वीकनेस जो है ना उसको पहचाने की मेरी ये वीकनेस है, उस पर जो है ना काम करना, क्योंकि जितना स्किल्स आपके अंदर डेवलप होगा आपकी वैल्यू, ठीक है। तो इस पर जो ना वर्क करने इशारे बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब आप लोगों ने इंटर हो गया, एग्जाम भी हो गए, उसके बाद भी आपने सबको इनवाइट किया, बहुत बड़ी बात होती है। मैंने नहीं देखा कोई इनवाइट करे, हम लोग हो या कोई भी हो, इस तरह इनवाइट नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। जैसे सर ने कहा रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, खासतौर पर आज के टाइम, तो इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोगों को आपने इन्वाइट किया मेरे दिल से। और दूसरी बात ये है कि मैं क्या कहूँ, जैसे सर ने आपको सारी बातें बता दी, सारा स्थान भी बता दिए, फसल का बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन जैसे सर ने कहा कि एक विजन होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि विजन के साथ आपका टारगेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका विजन है कि आपको CEO बनना है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 2020 में इस लेवल पर होगा, या हम 2021 में था, 2022 में था, 2023 में, तब जाके अपने टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। अगर सिर्फ जहन में सोच लिया विजन लेकर चल रहे हैं कि मुझे मास्टर्स करना है या फिर मुझे CEO बनना है, कब बनना है वो आपके जहन में सवाल आता रहेगा, लेकिन अगर आपने एयर जो है ना टारगेट कर लिया कि मुझे इस साल इतनी इनकम होनी चाहिए और मेरी जो है ना ये पर्सनैलिटी होनी चाहिए, या फिर मैं यहाँ पर होना चाहिए या फिर यहाँ पर होना चाहिए, तो ये बहुत फाइनल है। दूसरी बात ये कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, जिस तरह सर ने बताया और ये हकीकत भी आपने सर ने फरमाया कि अगर मुझसे बेहतर बनानी है तो औरतों को दीन सिखाओ, तालीम सिखाओ। आप मेरा मशवरा भी नसीहत थी कि आपको जैसे लड़कियाँ हैं तो आपको दीन के दुनिया के साथ दीन की भी तालीम जो है ना वो अपनाएं, उसको भी सीखें, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने 4 साल की आयु में लगाया था, 2 साल जब वहाँ पर ग्रेजुएशन जहाँ ने मिला के 2 साल, अच्छा उसको मिला के 2 साल मतलब आप लोग जब गए तो आयु को बंद करते हैं, अगर ये कहा जाए नहीं, माशाल्लाह आप बड़े स्टूडेंट रहे और बहुत सारे स्टूडेंट आए गए,
बहुत सारे बदतमीज भी निकले, बहुत सारों का बड़ा मसला था, लेकिन आप माशाल्लाह आज के दौर में बड़े अच्छे सिंसियर पढ़ने वाले बच्चे, बड़े कमजोर बच्चे, तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, इसी तरह से आबाद रहें, खुद को रखें। पाकिस्तान को देखें, देखें मार्क जुकरबर्ग को देखें, गूगल के फाउंडर को देखें, सारे क्या थे, फेलियर थे, सभी बताते हैं फेलियर थे, लेकिन उन्होंने कामयाबी हासिल कैसे की तो ये नहीं बताते, ठीक है। और उनकी सबसे मेन चीज कामयाबी की वजह उनके फेलियर्स नहीं, कामयाबी की वजह उनकी है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। क्योंकि आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई भी ऐसा बहुत अमीर तरीन इंसान होगा दुनिया का जो जिसका बैकग्राउंड मिडिल क्लास का ना हो, सारे मिडिल क्लास से निकले। अब इसमें वजह क्या है, लाखों की तादाद में मिडिल क्लास से निकले, दिन चुन के निकलते हैं ऐसे चार पाँच है। वजह ये है कि जो हालात, जो वाकयात, जो सिचुएशन वो लोग झेलते हैं उसको झेल के बर्दाश्त करके आगे निकल जाते हैं, जो आगे निकलते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कामयाब, जो उस हालात में रहते हुए अपने आप को और पस्ती में लेके जाके फेल हो जाते हैं वो फिर कहीं के नहीं रहते। तो ऐसे हालात से हम सब दो चार हुए हैं, आप भी हुए हैं और वो भी रहेंगे, शायद होंगे भी इन फ्यूचर। तो इस हालात के लिए मैं मशवरा दूंगी, जब ऐसे हालात आए तो सब्र करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, और अगर वो हालात आप पर आ रहे हैं तो आपको खूबसूरत बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपके मुस्तकबिल को संवारने के लिए आए, तो अपने उससे मुस्तकबिल को संवारें, ना कि उस हालात में रहते हुए उस हालात को सोचते हुए अपनी जहनी अजियत भी बनाएं, अपनी जिस्मानी अजियत बनाएं, अपनी सेहत को भी नुकसान दें, घर वालों के लिए भी आप लोग मसले पैदा हों और आपकी ज़िंदगी पर आगे तक हो। उन हालात को लाजमी फेस करें और जितना ज़्यादा हिम्मत से फेस कर सकते हैं फेस करें, और जल्द से जल्द कोशिश करें कामयाबी हासिल करें। कामयाबी हासिल करने का तरीका यही है कि जब आप मुश्किल हालात को सबर करके गुजारें, अल्लाह ताला का शुक्र करें हर हाल, चाहे जैसा भी हाल हो अल्लाह ताला का शुक्र करें, चाहे आप आज दो रोटी खा रहे हैं, कल बेशक चार रोटी खा रहे थे, इस साल में भी शुक्र करें कि अल्लाह तो दो खिला रहा है, तो इसमें भी मेरी सेहत का ही कोई इरादा होगा, तभी तुमने मेरे को दो खिलाने के लिए इस काबिल बना, मैं चार खा सकता। अब आगे अगर तुम्हें चार भी खिलाएगा तो भी मेरी सेहत का ही कुछ उसमें इरादा होगा, तू बेहतर है, तो हर चीज़ में शुक्र अदा करना सीखे, ठीक है। तो इन चीज़ों पर लाजमी करके दुआ में याद रखें हमें भी, और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे, जितनी हमारी दुआ थी वैसे भी आप लोग सब तमाम बच्चे शरीक होते हैं, आइंदा हम भी दुआ में याद रखेंगे, आप भी हमें याद रखें, और अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करें, अपने अहले वाल के लिए भी दुआ करें, और ख़ास तौर पर अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जो इल्म आपको अता करता है, इल्म अता जो कर रहा है, इस इल्म से आपकी तरबियत अच्छी हो, ठीक है। इल्म हासिल करना सिर्फ डिग्री लेना नहीं, पहले भी आपको मैंने समझाया है कि इल्म जब तक आपके अंदर तब्दीली वाकई नहीं हो रही, आपकी ज़ात के अंदर सादगी और शायस्तगी पैदा नहीं हो रही, तो इल्म बेकार है, ठीक है। इल्म भी फितना है, इस तरीके से एक शेर भी मुझे याद नहीं है, इल्म भी फितना है, अगर वो आपको बर्बाद कर दे, आपसे तमीज़ छीन ले, आपसे कोई आप किसी से बात करने की तमीज़ ना हो, किसी से अच्छा उसने सलूक करना ना हो, तो वो इल्म भी फितना है। तो ऐसे इल्म से अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, और आप दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसे इल्म से महफूज रखे और आपको भी ऐसे इल्म से महफूज रखे, और ऐसा इल्म अता करें जिससे हम दूसरों को इज्जत देना सीखें और अपनी ज़िंदगी भी कामयाब बनाएं और दूसरों के लिए भी आसानियाँ बनाएं। हमारे बहुत अच्छे टाइम गुजरा, हमारा दो साल के को मिल गया है, आपने हमें लिया है, बहुत कुछ सीखा है हमने, बहुत अच्छा टाइम रहा हमारा, और हर टीचर बहुत बेहतरीन, जो भी हमें पढ़ाने के लिए आए सबने कुछ ना कुछ सीखे, बहुत बेहतरीन कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सिखाया है सारे टीचर्स ने। सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू सो मच कि आपने अपना बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइम बताया, वो भी ईद के टाइम आए हैं, सो थैंक यू सो मच। और इसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सबके साथ हमारे कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा है, आज के दौर में हमें ऐसे टीचर्स मिले जो हमें हर सिचुएशन में, मीन्स वो लाइफ की सिचुएशन हो, वो एजुकेशन की सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में हमें हमारी हेल्प करना, सपोर्ट करना, सही गलत का बताना, और एक बात जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये कि तमीज़, अगर आपके पास इल्म है सही कहते हैं, अगर आपके पास इल्म है और अगर तहसील नहीं है तो उस इल्म का कोई फायदा नहीं, आप में और एक जाहिर इंसान में कोई फर्क नहीं है। और दूसरी बात कि अगर आप बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर लेते हो, आप एक बहुत अच्छे मकाम पर पहुँच जाते हो और आपकी ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे बढ़कर कि अल्लाह ताला ने तो हम सबको एक अच्छे मकाम पर पहुँचाया और आगे भी पहुँचाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसका ज़रिया आप लोगों को बनाया है और आपने हमें एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल भी हमें समझाया है और एक बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया है हमें हर जगह। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अगर PIL ज्वाइन करती हूँ तो मैं एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करती हूँ और मैं क्या बनकर निकलती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था,
लेकिन ये सब हमारे टीचर्स की वजह से पढ़ाया सर मुजम्मिल ने भी सॉरी सर मुजम्मिल ने ही पढ़ाया है लेकिन आप लोगों ने भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है जब मैं सर साहब की क्लास में या मार्कर ले लेता हूँ या डस्टर ले लेता हूँ उनकी कुछ बातें याद आती थी उनकी मोटिवेट कर रहे होते थे अपने स्टूडेंट्स को तो वो सब बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ